सवाल ये होता है कि भारत खंडित क्यों हुआ, भारत का बंटवारा क्यों हुआ। जब हम 1947 में अलग हुए, इतना खंडित तो हम हो चुके थे, लेकिन 47 में जो हम खंडित हुए, तो कुछ लोग कहते हैं कि दो देश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अलग हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि दो नेशन की थियोरी पर भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, तो फिर आगे चल के मात्र 23 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग क्यों हुए। और दूसरा प्रश्न, यदि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो फिर अगेन आकर जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो मुस्लिम कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक देश बन चुका था, तो इस्लामिक देश में से वापस वो भाग क्यों हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों हुआ। नहीं बोल रहे, ये जो है वो हमारे देश के बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये प्रश्न किए, यदि धर्म के आधार पर था तो आपने 100% अदला बदली क्यों नहीं हुई हिंदू और मुसलमान। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 मई 1950 के दिन असेंबली में कहा कि ऐसा रातों रात क्या हो गया कि जो मुसलमान पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो मुसलमान रातों रात 7-8% भारत में रहने का क्यों सोच रहे थे, और वो क्यों भारत में रुक गए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोग डिबेट में ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें इस्लामिक देश में नहीं रहना था, हमें सेक्युलर देश में रहना था, और हम बाय चॉइस भारत में रुके। और आप देखना, इनका सेम टैगलाइन रहता है, वो यही कहते हैं कि हम बाय चॉइस भारत में रुके। हमने उनको जवाब दिया, आप बाय चॉइस नहीं रुके हो, आप हिंदुओं को धन्यवाद प्रकट करो, उनकी मर्जी थी, उन्होंने आपको रहने दिया, तब आप भारत में रह पाए हो। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने का साथ दिया, ठीक है, लेकिन आप आपको सस्पेंशन क्यों आता है, तो हम कहते हैं, हमसे क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, बेटर पूछो, हमको